गूगल सर। पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा, नहीं चल रही है? व्हाट आर द हाँ टाइप्स ऑफ चैलेंजेस व्हिच यू आर फेसिंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फिजिक्स नाउ? कुछ मेरे पास आने से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसलिए मत बोलना कि तुम मेरे से बात कर रही हो, इसलिए तो मुझे बताओ कि फिजिक्स ऐसे पढ़ने से कुछ हुआ फायदा क्या? सर, फायदा है सर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फायदा? सर मतलब पहले तो सर आप कॉन्सेप्ट को इजी बनाते हो, मतलब अच्छा, सर अरे वाह, वो मतलब एक क्लास में जो हम बहुत सारे क्लासेस में सीखते हैं वो यहाँ पे एक क्लास में सम अप हो जाते हैं सर, वो इजी हो जाता है चैप्टर वेरी गुड को बेटर समझ। वेरी गुड। अच्छा एक सेकेंड है, हाँ सर। एक मुझे बात बताओ तुम कि व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस क्लास? वही था सर, मतलब फिजिक्स को समझ के मुझे सीखना था सर। यस समझ के सीखना था, एंड वी एंड इट वाज इट बिकेम इजियर फॉर यू, राइट? सर, समझ में इट आने लगा। इज। बट अच्छा, नाउ कम्स द पॉइंट कि व्हेन डिड यू रियलाइज कि ऐसा जो तुम एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा वो होने लगा, ऐसा कब तुमको रियलाइज हुआ ये? हाँ मतलब वही सर, क्लास में जो सिखाते हैं वैसे, मतलब एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाते हैं सर। नहीं, मेरा पूछना ये बेटा, क्वेश्चन ये है कि रियलाइजेशन कब हुआ, मतलब 2 क्लास के बाद पता चला, 3 क्लास के बाद पता चला कि हाँ यार जो जिस ऑब्जेक्टिव से तुम आई थी मेरे पास वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया? सर आपका फर्स्ट क्लास मैंने जो अटेंड किया था वो रे ऑप्टिक्स का था सर, क्योंकि अच्छा, तो तुम यू आर फर्स्ट देयर इन क्लास दैट, में मतलब अच्छा इन दैट यू आर देयर इन दैट फर्स्ट मैंने सेशन, रिकॉर्डिंग भी देखा था उसका। तो हाँ, तो तुमने रिकॉर्डिंग दिखा था, हाँ तुमने सर, क्लास अटेंड, नहीं, हाँ तुमने क्लास अटेंड किया था, तुमने यू केम हाँ सर, एंड, क्योंकि फर्स्ट हाँ, जो इनिशियल 2 क्लासेस था उसका मैंने रिकॉर्डिंग भी देखा था, ओके। तो उसी पहले क्लास में मुझे लगने लगा जो आपने वो मिरर वाला करवाया था वो मुझे इजी लगने लगा सर, फर्स्ट क्लास उसमें। दैट क्लिक। बट हाँ अच्छा, हाँ दस ये जो तुमने पढ़ा अभी यहाँ पर, तुमको लग रहा है कि तुमको स्कूल में भी इससे फायदा हो रहा होगा, स्कूल के सिलेबस में? सी, तुमने मुझे बताया कि यू आर रेफरिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट? यस सर। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो तुम्हारे पास वो है फायदा है, मतलब सॉरी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में के सॉल्व करने से तुम्हें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ सर, इस फायदा है क्लास से हो सर, रहा है या नहीं? फायदा तो है सर। फायदा है। हाँ सर। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, अब ये थोड़ा वैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो कोचिंग के एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे, टेस्ट होते हैं, हाँ सर, होते हैं तो कोचिंग में तुमको इसे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, कोचिंग के टेस्ट में सर, हुआ है सर। हुआ है, यूर स्कोर इंप्रूव्ड? हाँ सर। सर जो कैपेसिटर में आपने मतलब आपका जो वर्कशीट था ना सर, उसमें से भी मतलब सवाल सेम तरीके के वहां पे भी आया था सर, हाँ, पर अच्छा, ये तो वो चलो सवाल आ गए, पर ये एग्जाम में वहां तो नहीं होगा। चलो हाँ, मतलब वो पर कॉन्सेप्ट उसका सेम था सर। हाँ, कॉन्सेप्ट वाज द एप्लीकेशन पार्ट वाज राइट, है ना? तो एप्लीकेशन पार्ट अगर शुरू में तुम कैसा रेट करती हो आउट ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 व्हेन यू स्टार्ट, व्हेन वी स्टार्टेड, हाउ वाज योर एप्लीकेशन ऑनेस्टली? सर आई गेस 6-7 कुछ ऐसा सिक्स था सेवन एंड नाउ सर, क्योंकि 11th में जो मैकेनिक्स था वो इजी लग रहा था सर मुझे, लेकिन हाँ, अभी 12th में ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सर। ओके। तो वापस है, तो एप्लीकेशन अब कैसा है तुम्हारा इसको लेके? सर नाउ इट इज इम्प्रूव।